नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंट पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिमोट सेंसिंग और GIS के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारे ज्योग्राफी का, और साथ ही साथ में हम इसकी पूरी लेक्चर सीरीज क्लास बाय क्लास बनाएंगे। ठीक है, सो जो अगली वीडियो है ये तो क्लास नंबर 1 है हालांकि। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, क्लास नंबर 1 है ये। क्लास नंबर जो 2 है और इसकी सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मिलेगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, इसकी नेक्स्ट पार्ट की अपलोड होने की डेट और टाइम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ में आप लोग हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें और हम पे ट्रस्ट करें, ताकि हम लोग क्या करें, इसकी जो बेहतरीन सी एक सीरीज़ जो हम बनाएंगे रिमोट सेंसिंग एंड GIS की फुल सीरीज़ क्लास बाय क्लास, हम उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग नए यूज़र हैं हमारे चैनल पे, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आप हमारे पुराने ही यूज़र्स हैं तो आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही साथ में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा वीडियो के एंड में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, हम बेसिक कंसेप्ट इसमें वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग में क्या है, दो वर्ड्स हैं। कौन से दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड है रिमोट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड है रिमोट, दूसरा क्या है, दूसरा वर्ड है सेंसिंग। ठीक है, हम इन दोनों के पहले मतलब समझते हैं कि रिमोट मतलब क्या होता है, सेंसिंग मतलब क्या होता है। तो एक सिंपल भाषा में कहिए, रिमोट मतलब समथिंग विच इज़ फार अवे, कोई भी चीज़ जो कि दूर हो। ठीक है, जो कि आपसे दूर हो। ठीक, सेंसिंग, सेंसिंग मतलब गेटिंग इन्फॉर्मेशन और गेटिंग डेटा, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना या फिर डेटा को प्राप्त करना। तो दूर रहकर या फिर कह लीजिए दूरी से डेटा को प्राप्त करने को हम लोग क्या कहेंगे, रिमोट सेंसिंग कहेंगे। समझ आई इतनी बात, आई होप पक्का ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुननी है जो कि रिमोट सेंसिंग पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो स्टोरी मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है, मैं इसकी स्टोरी समझाऊंगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इस स्टोरी को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, हमारा प्यारा सा सन है। सन क्या है, हमारा एनर्जी सोर्स है। ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, या कह लीजिए इल्यूमिनेट करता है, रोशनी देता है। ठीक है, बात हो गई, रेडिएशन देता है। अब ये जो है सन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो सन में जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, उसकी अगर आप लोग चाहें तो डिटेल में मैं वीडियो बना सकती हूँ, पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसे क्या है, उसमें कई सारी अलग अलग स्पेक्ट्रम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फर्स्टली आता है गामा रे, फिर आती है एक्स रे, फिर आती है यूवी अल्ट्रा वायलेट रेस, फिर आता है विजिबल रीजन जो कि हमारी आंखों को दिखाई देता है। विजिबल रीजन जो है उसमें क्या आते हैं, 7 कलर्स आते हैं, विब क्योर। ठीक है, ये वॉयलेट है और ये क्या है, ये रेड है। ठीक है, और बीच में जो भी जितने भी कलर्स बच रहे हैं वो विब क्योर, मतलब सातों कलर, जो सात कलर होते हैं वो जो रेनबोज में दिखाई देते हैं वो वाले कलर्स। ठीक है, उसे कहते हैं विजिबल, विजिबल पोर्शन में ये आते हैं। फिर आती है हमारी क्या, इंफ्रारेड, उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव, उसके बाद आते हैं रेडियो वेव। ये सारी जो वेव्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। ठीक है, और ये जो है हमें सन में जो सन से जो हमें रोशनी मिलती है, रेज आती है, जो एनर्जी आती है उसमें ये मौजूद होती हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये हमारी रिसीविंग स्टेशन है। मैं RS लिख दे रही हूँ यहाँ पे, रिसीविंग स्टेशन, जो कि मतलब ये जो सैटेलाइट है, या S है, ये हमारी सैटेलाइट है। ठीक है, जो सैटेलाइट है ये अपना जो डेटा इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट करती है हमारे रिसीविंग स्टेशन को। ठीक है, जो कि इनका डेटा क्या करता है, रिसीव करता है, और आगे की कहानी हम अभी जानेंगे। अभी सबसे पहले कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दूँ ना, तो फिर सबसे पहला ये क्या है, हमारा रिसीविंग स्टेशन है। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ये बहुत दूर पर है, ये कहीं और है। ठीक है, इसको इस पोर्शन को मिक्सर मत करिएगा, हमें मेन मुद्दा ये डायग्राम वाला है, जो ब्लैक पोर्शन है मैं कवर अप कर रखा है। अब ये जगह है, ठीक है, ये कैसी ही है, यहाँ ये बिल्डिंग है। ठीक है, उसी के बगल ट्री है, ये जो ब्लू कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है, यह हमारा क्या है, ये है हमारा पॉन्ड, और ये जो ग्रीन है वो हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड है हमारा नॉर्मल, ऊपर क्या है, सैटेलाइट है। ठीक, अब देखो ये जो सन है, सन की रेज पड़ रही है, वाटर पे भी पड़ रही है, ग्राउंड पे भी पड़ रही है। यहाँ मैंने तीन चीज़ों पे बेसिक मतलब फोकस किया है कि वाटर पे पड़ रही है, ट्री पे पड़ रही है, और बिल्डिंग पे पड़ रही है। ठीक है, सन की रेज, ये जो रेड कलर से दिख रही है वो सन की रेज है, सन की एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी हमें मिल रही है,
हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब क्या है, ये वाटर पे सबसे पहले आई, ये जो वाटर है कुछ 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 ना कुछ ना कुछ पोर्शन जो है उस एनर्जी का, जो ये जो एनर्जी है सन से आ रही है, कुछ ना कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। उसने थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया और फिर क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। जो ब्लू कलर से जो जा रही है ना जी, वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी बात करें तो दूसरी बात आती है कि ये जो ट्री दिख रहा है आपको, इस पर भी पड़ रही है, ये भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्डिंग भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। बट मुद्दे की बात यह आती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ट्री जो है, वाटर है और बिल्डिंग बात करें, तो ये जो वाटर जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू ट्री और बिल्डिंग, ठीक है, और ये जो ट्री है वो कम रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन जो होगा उसमें कम होगा, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ पे, तो समझ लीजिए वो जो एनर्जी, जो सन की जो एनर्जी थी वो क्या है, अब क्या कर रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है एनर्जी। अब क्या है, जो हमारी जो सैटेलाइट है उसमें क्या प्रेजेंट है, सेंसर्स प्रेजेंट है, सेंसर्स, ठीक है, जो कि सेंस करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेंसर, अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब क्लासिफिकेशन को हम बाद में बात करेंगे कि एक्टिव सेंसर क्या होते हैं, पैसिव सेंसर क्या होते हैं, बस इतना जान लीजिए दो टाइप के सेंसर्स होते हैं, एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर्स। एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है, ठीक है, इस स्टोरी के माध्यम से। सो अभी कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए सेंसर्स होते हैं, ठीक। सेंसर्स ने क्या किया, अब क्या सेंसर जो हैं वो क्या करेगी, ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, ये जो ब्लू कलर से जो रेज जा रही हैं, पॉन्ड से जा रही है, रुकिए हाइलाइटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये वाली जो रेज जा रही हैं, ठीक है, फिर ये ट्री से जा रही है, फिर ये बिल्डिंग से जा रही है, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसको क्या करेगा, ये हमारा जो सेंसर है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जो हमारे सैटेलाइट में जो सेंसर्स प्रेजेंट है वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी को क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड या फिर जो इनके अंदर से जो एमिट हो रही है एनर्जी उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, जो ट्री और पॉन्ड या फिर बिल्डिंग के अंदर से जो एमिट हो रही है, ठीक है, इनको क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। अब क्या करेगा रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद वो क्या करेगा, सिंपल कहाँ भेजेगा, जो इनका जो स्टेशन है, रिकॉर्डिंग करने के बाद वो जो हमारा जो रिकॉर्डिंग जो स्टेशन है, हमारा रिसीविंग स्टेशन जहाँ पे ये भेजता है, वहाँ पे एंटीना डिस मतलब सैटेलाइट डिश के हेल्प की वजह से वो क्या करेगा, वो रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने के बाद वो जो डेटा जो सैटेलाइट ने इनको भेजा है वो लोग अब क्या करेंगे, इसका सिंपली प्रोसेसिंग करेंगे कि कलर चेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ पहला क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशन, फिर उसका एप्लीकेशन की बात आती है। पहले क्या करेंगे, वो जो डेटा कलेक्ट हुआ उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन होगा उसका। सिंपली इतनी बात है, एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर वाली बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, उसको भूल जाइए। बट जो हमारे सैटेलाइट में दो टाइप के सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अभी आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको कंपोनेंट्स के बारे में तो थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है, सिंपली कहानी को दोबारा से सुन लीजिए, रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, सिंपली ये जो हमारे सन जो है वो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, वो एनर्जी भेजता है। तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है इनके पास रिफ्लेक्ट करने की, एमिट करने की एनर्जी को, ठीक है। जैसे वाटर जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, बट ट्री उतना रिफ्लेक्शन नहीं करेगा इन कंपेरिजन टू वाटर, ठीक है। सो यही बात आती है कि रिफ्लेक्ट, फिर बात आती है रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये जो सेंसर्स होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट पे सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, सेंस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। वो डेटा कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, रिसीविंग स्टेशन में, ठीक है, रिसीविंग स्टेशन में। फिर जब वो रिसीविंग स्टेशन पे जब वो डेटा पहुंच जाता है तो क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, एनालिसिस होता है, और फिर एप्लीकेशन की बात आती है, ठीक। तो सिंपली रिमोट सेंसिंग क्या होती है, रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्वायर करते हैं, डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मैंने बिल्डिंग लिया है, ट्री लिया है, और ये पॉन्ड लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं विदाउट उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हुए, विदाउट उसके कॉन्टैक्ट में या उसके पास उसके कॉन्टैक्ट में आए हुए, विदाउट उसको टच किए हुए, विदाउट उसके कॉन्टैक्ट में आए बिना, दूर से। जब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जानकारी, इंफॉर्मेशन को क्या करें,
क्या करेगी, एक्वायर करेगी विदाउट उसके कॉन्टैक्ट में आए हुए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ये कैसे होता है, इसमें जो हमारे जो सैटेलाइट होती हैं वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी, जो कि यहाँ देखो पॉन्ड से रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, ब्लू कलर में जो जा रही है एनर्जी, रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करती हैं हमारे जो सैटेलाइट के जो सेंसर्स होते हैं, और सेंस करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कहाँ को, रिसीविंग स्टेशन को, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उसका एनालिसिस होता है और फिर उसका एप्लीकेशन। सिंपली रिमोट सेंसिंग की यही डेफिनेशन है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब डेफिनेशन पोर्शन को फटाफट से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस विदाउट एक्चुअली बींग इन कॉन्टैक्ट विद इट। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन अर्थ सरफेस, जैसे पुराने डायग्राम में आते हैं तुरंत तुरंत, कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉन्ड की, ट्री की, बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं बिना उसके, विदाउट उसके कॉन्टैक्ट में आए हुए दूर से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विदाउट एक्चुअली बींग इन कॉन्टैक्ट विद इट, दूर से उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, दिस इज डन बाय सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये कैसे होता है, ये प्रोसेस होता है कैसे है, सेंसिंग और रिकॉर्डिंग, जो सैटेलाइट में सेंसिंग और रिकॉर्डिंग होती है, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, रिफ्लेक्शन और एमिटेड एनर्जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग और सेंसिंग किस चीज़ की हो रही है, इस सैटेलाइट में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो किस चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ब्लू कलर से आपको दिख रही होगी, उसी की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। तो उसी की क्या होती है, हमारा रिकॉर्डिंग होती है उसी रिफ्लेक्शन की और सेमेटिंग एनर्जी की, एंड प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जब वो ट्रांसमिट कर देता है हमारे रिसीविंग स्टेशन को, तो क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसका एनालिसिस होता है, फिर एप्लीकेशन होता है उस इन्फॉर्मेशन का। सिंपल रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी यही होती है। दूसरी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट एरिया और फिनोमेना थ्रू सैटेलाइट। सिंपल डेफिनेशन दी गई है बिल्कुल से, रिमोट सेंसिंग क्या है, एक साइंस है और आर्ट है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, साइंस और आर्ट है किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन को लेने की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एरिया की या फिनोमिना की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, ऑब्टेन करने की, किसकी मदद से, सैटेलाइट की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें क्या बताती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लिलसैंड क्या कहते हैं, लिलसैंड एंड क्लिफर कहते हैं कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया, अबाउट एन ऑब्जेक्ट एरिया फिनोमिना, मतलब अर्थ सरफेस पे जो मौजूद है, ठीक है, थ्रू एनालिसिस ऑफ डेटा acquired by device that is not in direct contact with the object area phenomena under the investigation. Simply, उन्होंने क्या कहा कि ये एक आर्ट एंड साइंस है इंफॉर्मेशन को लेने की, किसी भी ऑब्जेक्ट एरिया या फिनोमिना के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, ठीक है, और किससे, एनालिसिस के द्वारा। अभी एनालिसिस ये किसके बारे में, ये एक्वायर हो रहा है एक ऐसी डिवाइस से जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है ऑब्जेक्ट एरिया या फिनोमिना के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। तो सिंपली यही कहना चाह रहे थे वो, कि सिंपल बात समझने वाली ये है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, दूर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, दूर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो भी जो है जो उसके सैटेलाइट जो है उसको क्या करती है, सेंस करती है, रिकॉर्ड करती है, किसको रिकॉर्ड करती है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिकॉर्ड करती है, फिर वो क्या करती है, स्टेशन पे भेजती है, स्टेशन मतलब जो हमारा रिसीविंग स्टेशन है वहाँ पे उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होती है, उसकी एनालिसिस होती है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन होती है उस इंफॉर्मेशन का, ठीक। सिंपल रिमोट सेंसिंग यही होती है, ठीक है। एक बार ये जो है हमारी समराइज डेफिनेशन है, हम उसे पढ़ लेते हैं। द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, साइंस और आर्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, विदाउट एंटरिंग इन कॉन्टैक्ट विद, विदाउट उसके कॉन्टैक्ट में, उसके पास आए, विदाउट उसको टच किए या फिर उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए बगैर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक्वायर करना, प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ बाय सेंसिंग और रिकॉर्डिंग, कैसे प्राप्त करेगा, सेंस करके और रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करेगा,
ठीक है, रिकॉर्ड किससे करेगा, रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी। जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट से, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो एनर्जी को, या फिर उसकी खुद की कोई एमिट कर रहा हो, अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा हो, या फिर जो रिफ्लेक्ट करके जो एनर्जी मिल रही है उससे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और सेंस करेगा, सेंसिंग करेगा और रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, और क्या होता है फिर, प्रोसेसिंग एनालिसिस एंड अप्लाइंग दैट इंफॉर्मेशन इज रिमोट सेंसिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है उसी डेटा की जो रिकॉर्ड करा है उसने, ठीक है, उसी की क्या होती है, प्रोसेसिंग एनालिसिस और एप्लीकेशन, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन की, उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो और आपको बिल्कुल पसंद आई होगी ये वीडियो। इसमें हम लोगों ने क्या बात करी, इसमें हम लोगों ने जाना कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है, किस तरीके से, मतलब क्या क्या डेफिनेशन है उसकी, अलग अलग पर्सन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसे डिस्कस किया, उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेप्स में रिमोट सेंसिंग का पूरा वर्क होता है, किस तरीके से, हाउ इट वर्क, ठीक है, रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसकी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसमें हम लोग प्लेटफॉर्म, ऑर्बिट और सेंसर्स, सेंसर्स में एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, वैसे हाउ इट वर्क वाली जो सेकंड वीडियो है उसमें भी मैं एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर्स के बारे में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अगर न्यू यूज़र हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे पुराने यूज़र्स हैं तो आपको पता ही है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ये तो थी हमारी क्लास नंबर 1। ठीक है, क्लास नंबर 2 की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि कब अपडेट होगी, ठीक है, और कब इसका कितने बजे आएगी नई वीडियो, ठीक है, सेकंड हमारा जो क्लास है वो सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ मिलेगी, आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी।